दोस्तों नमस्कार, आप सबको देव उत्तरी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा नमस्कार। दोस्तों तुलसी विवाह के दिन जिन लोगों के शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है या जिन लोगों की शादी होने में बाधाएं आती हैं या देरी हो रही है, तो शास्त्रों में ऐसे कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें तुलसी विवाह के दिन करने से ये परेशानियाँ दूर होती हैं। तो आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए तुलसी विवाह के दिन पति पत्नी को पवित्र नदी में स्नान करके साथ में तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़कर उन्हें शुद्ध जल में मिलाएं और फिर पूरे जल को घर में छिड़क दें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच मधुरता आती है। जिन लोगों की विवाह में देरी हो रही है या फिर शादी में बार बार कोई बाधा आ रही है, तो तुलसी विवाह वाले दिन किसी गरीब या असहाय व्यक्ति की कन्या दान का संकल्प लें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी विवाह में मदद करें, इससे बाधाएं दूर होती हैं। वैवाहिक जीवन में यदि तनाव की स्थिति है तो शादी के बाद प्रेम में कमी आ रही है, तो तुलसी विवाह में देवी तुलसी को पति पत्नी लाल चुनरी चढ़ाएं, फिर उसे अगले दिन किसी सुहागिन को दान कर दें। इससे मनमुटाव दूर होता है और प्रेम का भाव पैदा होगा। और तुलसी विवाह के दिन पति पत्नी साथ मिलकर शालिग्राम जी को बेर भाजी आंवला अर्पित करें। पत्नी यहाँ मंत्र दिया है, उसका जाप करें। कहते हैं इससे सुयोग जीवन साथी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी विवाह के दिन श्री हरि को भोग में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। कहते हैं इससे पति पत्नी में प्यार बढ़ता है, जीवन मनचाहा जीवन साथी मिलता है और जो शादी में बाधाएं आती हैं वो भी खत्म होती हैं। एकादशी के दिन तुलसी पत्र न तोड़ें तो ये दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के कुछ सरल उपाय हैं। दोस्तों आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।